दोस्तों, आओ सीके चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने बेबी स्वेटर का बैक पार्ट और दोनों फ्रंट पार्ट बना लिया है। यहाँ हम रेगलान कटिंग करने तक हमने इन तीनों पार्ट को बना लिया है। अब हमें दोनों आस्तीन की जरूरत होगी, तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो आज हम बेबी स्लीव बनाएंगे। यहाँ हम रेगलान कटिंग करने तक हमने इन तीनों पार्ट को बना लिया है। अब हमें दोनों आस्तीन की जरूरत होगी, तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो आज हम बेबी स्लीव बनाएंगे। आस्तीन बनाने के लिए मैंने 35 डिजाइनर फंदे डाले हैं और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुन लिया है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी आ गई हैं और पीछे से भी आ गई। और ये हमारा नवा लाइन है। तो इस लाइन में हम 4 फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे साइड में और 2 फंदे बीच में। तो हम कैसे भी बढ़ा सकते हैं, 1 फंदे में 2 फंदे बनाकर भी बढ़ा सकते हैं। हम इस लाइन को उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टा उल्टा बुनते हुए ही हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे। और लास्ट फंदा सीधा। तो हमने उल्टा बुनते हुए 4 फंदे बढ़ा लिए। अब ये हमारा 10वां लाइन है और रॉन्ग साइड। हमने 35 फंदे डाले थे, 4 फंदे बढ़ा लिए। अब हमारे पास है 39 स्टिच और ये हमारा 10वां लाइन है। तो हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2। अब उन अपनी ओर और 3 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा। तो इन्हीं 5 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो उन दूसरी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन का बेस लाइन तैयार हो गया है। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 11वां लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब देखिए 3 फंदे सीधे हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को अभी छोड़ देंगे, पहले तीसरे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे और अब हम दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 3 सीधे फंदों में पहले हम पहला, फिर तीसरा और फिर दूसरा। तीनों फंदों को हमें सीधा बुनना है, लेकिन पहले पहले वाले फंदे को सीधा बुनना है, फिर तीसरे फंदे को सीधा बुनना है और तब हमें दूसरे फंदे को सीधा बुनना है। तो इन्हीं 5 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। और अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे पर्ल वाइज, उन दूसरी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर। देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, तो पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर हमें तीसरे वाले फंदे को बुनना है, लेकिन सामने की तरफ से ना बुन के सिलाई पीछे की तरफ से ले जाएंगे, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और अब बचा हुआ दूसरा फंदा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। फिर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 उल्टे फंदों में पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। तो इन्हीं 5 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। 13वां लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अब तीन सीधे फंदों में पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को छोड़ के पहले तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमारा 13वां लाइन पूरा हो गया। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और ये हमारा 14वां लाइन है, तो इसे हम 12वें लाइन की तरह बुनेंगे, यानी पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदा सीधा, फिर तीन उल्टे फंदों में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को छोड़ के पहले हम तीसरे वाले फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, सॉरी उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। इसे देखिए, दो फंदा सीधा और तीन उल्टे फंदों में उन अपनी ओर, पहले हम पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को पीछे की तरफ से उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। तो इन्हीं पांच फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 15वां लाइन और सामने से। अब चूंकि ये न्यू बॉर्न बेबी का आस्तीन है, इसलिए अब हम यहीं से दोनों साइड में फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। फंदे हम किसी भी तरह बढ़ा सकते हैं, एक फंदे में हम दो बार बुन के भी फंदे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसी लाइन से दोनों साइड में फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे और हर पांचवी लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे। मतलब इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाए और फिर हम दूसरी साइड भी फंदे बढ़ा लेंगे। ये पहला लाइन हुआ, वापस आएंगे दूसरा लाइन, फिर सीधा लाइन बुनेंगे तो तीसरा होगा, वापस आएंगे चौथा और नेक्स्ट लाइन में, यानी एक सीधा लाइन छोड़ के हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हमने 15वीं लाइन में फंदे बढ़ाए, 16वीं लाइन को हम बुन लेंगे, फिर 17वीं लाइन को हम बुनेंगे, 18वीं लाइन को बुनेंगे और 19वीं लाइन में फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह हर पांचवी लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे और जब हमारे यहाँ किनारे पे तीन सीधे फंदे आ जाएंगे तो हम ये डिजाइन वहाँ पे डाल लेंगे। कैसे डालेंगे ये मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 15वीं लाइन में फंदा बढ़ाया, 19वीं लाइन में, और ये हमारा 23वां लाइन है। हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, एक फंदा हमने इधर बढ़ाया है, पूरी लाइन कंप्लीट कर दी है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो दो फंदा सीधा है तो हम दो फंदा सीधा बुन लेंगे, दूसरे वाले फंदे को हम गिराएंगे नहीं बल्कि इसी में पीछे की तरफ से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे हो गए और लास्ट फंदा सीधा। अब ये हमारा 24वां लाइन है। अब चूंकि यहाँ पे तीन फंदे सीधे मिल गए हैं हमें, इसलिए अब हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब तीन इस साइड से हमें वो तीन सीधे फंदे उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इन तीन फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को छोड़कर तीसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। तो हमने यहाँ पे डिजाइन शुरू कर दिया। इसी तरह हम जब भी हमारे पास साइड में तीन फंदे आ जाएंगे, तीन सीधे फंदे आ जाएंगे, तो हम डिजाइन डालना शुरू कर देंगे। हर पांचवी लाइन पे हम फंदे बढ़ाएंगे और 6 इंच तक, 6 इंच लंबा होने तक हम बुनेंगे। तो 6 इंच बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीन 6 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। इस समय सिलाई पर फंदे हैं 59, 59 और हर पांचवी लाइन पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। देखिए ये हमारा ऐसे शेप आया है और जब
साइड में तीन सीधे फंदे हो गए हैं, तो हमने डिज़ाइन शुरू कर दिया है। तो हमने 6 इंच आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब इसमें रेगलान कटिंग करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने बैक में और फ्रंट में 6 इंच कंप्लीट होने के बाद 6 लाइन बुना था, 2 फंदा उल्टा और तीसरे फंदे को हमने स्लिप किया था और रॉन्ग साइड से तीनों फंदों को उल्टा बुन लिया था। लेकिन अब हम इसमें फंदे डिक्रीज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे, इस फंदे को हम सीधा करेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने फंदे डिक्रीज कर लिए। अब ये डिज़ाइन के 2 फंदे बचे हैं, तो हम पहले दूसरे को फिर पहले को बुनेंगे और फिर अपने डिज़ाइन को शुरू कर देंगे और लास्ट के 4 फंदे के पास पहुँचेंगे। तो मैं लास्ट के 4 फंदे होने तक बुन के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन पूरी कर ली। अब लास्ट के 4 फंदे बचे हुए हैं, तो पीछे वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे। अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट के 2 फंदे इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने दोनों साइड में एक एक फंदे डिक्रीज कर दिए। अब रॉन्ग साइड में शुरू के और लास्ट के फंदे उल्टे बुने जाएंगे और बाकी फंदे जैसे हमारा पैटर्न है उसी के मुताबिक हम बनाएंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 6 इंच के बाद से तीसरा लाइन है, तो 2 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2, उन दूसरी ओर करेंगे, तीसरे वाले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा फिर से घटा दिया। अब लास्ट फंदा इसे सीधा बुनेंगे। अपने पैटर्न को चालू रखते हुए हम लास्ट के 4 फंदे होने तक पहुँचेंगे। तो सभी फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, तो हम शुरू के 2 फंदों में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, पहले दूसरे वाले में फिर पहले वाले में ऐसे हम नीट वाइज सिलाई डालेंगे। इससे दूसरा फंदा ऊपर की तरफ आ जाएगा और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने इस लाइन में दूसरा फंदा भी डिक्रीज कर दिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा उल्टा, लास्ट के 2 फंदे उल्टे, रॉन्ग साइड से लास्ट के 3 फंदे शुरू के भी और लास्ट के भी 3 फंदे उल्टे रहेंगे, बाकी फंदे पैटर्न के मुताबिक बुने जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां लाइन है। रॉन्ग साइड से मैंने बुन लिया, ये हमारा 5वां लाइन है और इस लाइन में भी हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। शुरू के 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर, फिर 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1 और 2, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने तीसरा फंदा भी डिक्रीज कर लिया। इसी तरह हम इस साइड भी तीसरा फंदा डिक्रीज करेंगे। तो 6 इंच के बाद से हम 6 फंदा डिक्रीज कर रहे हैं, 3 फंदा इस साइड में, 3 फंदा इस साइड में। अब हम दूसरी साइड में हैं और यहाँ पे भी हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ऐसे पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6ठा फंदा डिक्रीज कर लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से शुरू के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, बाकी फंदे जो है अपने पैटर्न के मुताबिक बुने जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 इंच के बाद से 6 लाइन बुन ली, 3 फंदे इधर से डिक्रीज हो गए, 3 फंदे इधर से डिक्रीज हो गए और देखिए 3 उल्टे फंदों की धारियां दोनों साइड में आ गई। इसी तरह हम दूसरा आस्तीन भी बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 5ों फंदों पल्लों को अरेंज करेंगे। देखिए
सबके फ्रंट पार्ट जो है ऊपर की तरफ है, सभी के फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ है। पहले हमने फ्रंट पार्ट का राइट साइड लिया, फिर आस्तीन, फिर बैक, फिर आस्तीन और ये लेफ्ट पार्ट। और अब पांचों पल्ले एक ही सिलाई पे आ जाएंगे। तो अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये लाइन कंप्लीट करके लास्ट के चार फंदे होने तक बुन के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के चार फंदे बचे हुए हैं, तो हम दूसरे वाले फंदे को पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में। यहाँ पे हम इन दो फंदों को एक कर रहे हैं, यानी एक फंदा हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज कर लिया, अब उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। अब इस सिलाई का काम नहीं है, इसे हटा दीजिए और आस्तीन वाला पल्ला आप लें। अब जो है ये दूसरा, ये हमारे दो फंदे उल्टे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फंदे डिक्रीज करते आए हैं, तो यहाँ पे हम फंदा डिक्रीज करेंगे। पहले फंदे को लेंगे, एक और फंदे को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने एक फंदा फ्रंट साइड से इस पल्ले से एक फंदा कम किया है और एक आस्तीन से कम किया है। हमने यहाँ पे दो फंदे कम किए और बीच में देखिए चार उल्टे फंदे आ गए, दो फंदे इस साइड से और दो फंदे इस साइड से, चार उल्टे फंदे आ गए। बाकी फंदों को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। लास्ट के चार फंदों में हम फिर डिक्रीज करेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फिर चार फंदे रह गए हैं, तो उन दूसरी ओर करेंगे। अब इन दो फंदों को हमें एक करना है और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज किया, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। अब इस सिलाई को हम हटा देंगे और नेक्स्ट पल्ले को हम लेंगे, यानी हमारा बैक पार्ट। साइड में दो फंदे उल्टे हैं, तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये फंदा जो हमने अभी तक स्लिप किया था, इसको ऐसे नीट वाइज लेंगे और अगले फंदे को भी हम ले लेंगे। दो फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी यहाँ पे भी हमने एक फंदा डिक्रीज कर लिया। बाकी फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लास्ट के चार फंदे होने तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के चार फंदे हैं, तो अब यहाँ पे भी हमें एक फंदा डिक्रीज करना है। पहले हम तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर चौथे वाले फंदे में और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने बैक पार्ट भी बुन लिया। अब हम दूसरे आस्तीन को उठाएंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे। दो फंदा उल्टा बुन लिया। अब तीसरे फंदे को और चौथे फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज कर लिया। अब बाकी पैटर्न को हम बाकी फंदों को हम पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लास्ट के चार फंदे होने तक कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने आस्तीन के सारे फंदे बुन लिए। अब चार फंदे बचे हैं, तो पहले हम तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर चौथे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फ्रंट लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा डिक्रीज कर लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा। अब हम नेक्स्ट फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और पहले दो फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और
बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। बाकी फंदों को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड से हैं और हमने ये इतनी बुनाई कर ली है। अब ये दोनों पार्ट के अब तीन फंदे जो हमारे मेन हैं, देखिए दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा इधर से, फिर दो फंदा उल्टा, एक फंदा यहाँ दो का एक किया गया है ये इधर से, इन छह फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बाकी को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। हम जहाँ ये दोनों ज्वाइंट हुए हैं वहाँ के छह फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो हम फंदे उल्टे बुन लेंगे और इस थ्रेड को हम जोड़ लेंगे, गांठ लगा लेंगे, इसको लपेटते भी जाएंगे साथ साथ। बाकी को हम अपने पैटर्न के मुताबिक बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीन के सारे फंदे बुन लिए। अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे और दूसरे साइड के भी तीन फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और इस थ्रेड को ऐसे लपेटते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब पांचों पार्ट्स एक में हो गए हैं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब हम जैसे नॉर्मल बुनते आए हैं वैसे ही बुनेंगे। बस हमें इन चार ज्वाइंट्स पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम रेगुलर कटिंग करेंगे तो हर सीधी लाइन में आठ फंदे घटेंगे, दो 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 और दो, आठ फंदे घटेंगे। अब देखिए हम ज्वाइंट के पास आ गए हैं तो यहाँ पे एक फंदा घटेगा। ऐसे सामने की तरफ से हम सिलाई डालेंगे, पहले दूसरे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और चार, फिर उन दूसरी ओर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा हमने इधर घटाया, एक फंदा इधर घटाया और बीच में चार उल्टे फंदे हो गए। तो इसी तरह हर जॉइंट पे दो फंदे घटेंगे और हम 4.5 इंच तक बुनाई करेंगे। हर सीधी लाइन में इस तरह आठ फंदे घटेंगे और रॉन्ग साइड से इन छह फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और बाकी पैटर्न अपने हिसाब से चलेगा। तो इस तरह हम 4.5 इंच बुन लेंगे। तो 4.5 इंच कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने रेगुलर कटिंग करते हुए लगभग 4.5 इंच तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। हम सामने की तरफ हैं, पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज ऐसे स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और शेष सभी फंदों को उल्टा बनेंगे। अभी तक हमने इस फंदे को स्लिप किया है लेकिन अब हम इसे भी उल्टा बुन लेंगे। तो सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़कर। इस समय सिलाई पे 72 फंदे हैं। अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं, उन दूसरी ओर करेंगे, सेकेंड लास्ट को स्लिप कर देंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो पहले फंदे को नीट वाइज, दूसरे फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़कर। लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे वाले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
तो बॉर्डर का ये चौथा लाइन है, हम रॉन्ग साइड से हैं, बॉर्डर का ये चौथा लाइन है। देखिए दो उल्टे फंदों की धारियां बन गई हैं। इसी तरह हम छठा लाइन भी दो लाइन और कंप्लीट करेंगे और सातवें लाइन में हम बटन होल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर का ये सातवां लाइन है और हमने बटन होल बनाया था। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11 धारियां पूरी हो गई हैं और ये 12वां धारी है। तो हम इसमें बटन होल बनाएंगे। दो फंदों को स्लिप किया, ऊन अपनी ओर किया, दो फंदा उल्टा बुना। अब ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे और शेष फंदे उल्टा बुन लेंगे लास्ट के दो फंदों को छोड़कर। लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे, सेकंड लास्ट को स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। इसी तरह हम तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 11वां लाइन है और इस लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। पहले फंदे को नीट वाइज स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, शेष फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह करके हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब लास्ट फंदा बचा है तो इसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे, लूप थोड़ा बड़ा करेंगे और गोले को इसमें से निकाल लेंगे। टाइट कर लेंगे और थोड़ा लंबा काट लेंगे। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये दोनों आस्तीन है तो इसे इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे और ये देखिए, ये दोनों फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसे हम आपस में ऐसे सिल देंगे। सुई में धागा डालेंगे और देखिए यहाँ पे हमारे इसको यहाँ पे थोड़ा टाइट कर लेंगे, इन धागों को अंदर की तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हम एक दो बार कर लेंगे ताकि ये कटे मत। और फिर देखिए यहाँ पे हमको ये सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम इधर से ऐसे सुई डालेंगे और दूसरी बार इस साइड में ऐसे मिलाते हुए हम सिलना शुरू कर देंगे। सीधे फंदे का ये पहले वाला हिस्सा जो है उसमें हम सुई डालेंगे, फिर इस साइड का ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे सामने की तरफ से भी सिल सकते हैं। तो इस दशा में ये जो सीधा फंदा गया है, ये सीधे फंदे की लाइन गई है, तो उसमें हम अंदर की ओर नहीं है, जो स्वेटर की तरफ है इस ओर हम ऐसे सुई डालेंगे और सिलेंगे। इधर फिर इसके जो स्वेटर की तरफ जो हिस्सा है उधर की तरफ हम सुई डालेंगे और प्रत्येक सीधे फंदे में ऐसे ही सिलते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह एक सुंदर से ऐसे सिलाई होती जाती है। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदे सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में सिल लिया है, जहां तक हमने रेगलान कटिंग किया था वहां तक, और आस्तीन को भी हमने सिल लिया है रेगलान कटिंग तक। अब यहाँ पे हम जो बीच का ये पार्ट है
अब ये जो बीच का पार्ट बचा है इसको हम इस तरह सिलाई करेंगे। ये हमने देखिए रेगलान कटिंग की है, यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और इसको आपस में ऐसे मिला देंगे। अब हमें इसकी इस तरह सिलाई करनी है। तो हमने सुई में धागा डाल लिया और धागे को यहाँ अटैच कर लिया और अब इस तरह हम इसको रखेंगे। और देखिए ये हमारा ये तीन उल्टे फंदे इधर भी आए हैं और तीन उल्टे फंदे इधर भी आए हैं और इन्हें हम आपस में ऐसे जोड़ के और इन्हीं उल्टे फंदों को हम सिलेंगे। इन्हीं उल्टे फंदों को हम इसे सिलेंगे। अब यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ सीधे फंदों की धारी आ गई। तो अब हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे, सुई डालेंगे और सिलना शुरू करेंगे। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। फिर देखिए उल्टे फंदे आ गए, तो उल्टे फंदों में हम इसे सुई डालेंगे और सिलते जाएंगे। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड। वैसे थोड़ा टाइट कर लेंगे। दूसरी तरफ निकालेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबी स्वेटर बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।